हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक इंडियन कुकीज की रेसिपी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, जिसका नाम है नान खटाई। तो चलिए, ये कैसे बनती है, आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो शुरू करते हैं हम अपनी नान खटाई बनाना। नान खटाई के लिए मैंने ये एक कटोरी देसी घी लिया है, इसको मैं बाउल के अंदर डाल दूंगी। इसके अंदर हम एक कटोरी पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसको इतना फेटेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। हमें लगातार फेंटना है, एकदम फ्लफी बनाना है, कलर इसका चेंज होने लग जाएगा। नान खटाई एक इंडियन कुकीज है, ये कोयले की आंच पर भी बनती है, माइक्रोवेव के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे कढ़ाई के अंदर बनाऊंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। 5 मिनट और फेंटूंगी मैं इसको, फिर इसके अंदर और सामग्री मिलाऊंगी। कढ़ाई को मैंने इंडक्शन पे रख दिया है, इंडक्शन को हम ऑन करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। इसके अंदर मैंने नमक डाला है 250 ग्राम। अब मैं इसको कवर कर दूंगी एक जाली लगाकर। और अब हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम अपना नान खटाई का डो तैयार करते हैं। इसका कलर अब चेंज हो गया है, अब हम इसका डो तैयार करेंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया है, उसके अंदर डाल देंगे। 1 छोटी कटोरी बेसन, 2 चम्मच सूजी, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/3 हरी इलायची पिसी हुई। सभी चीज़ों को हम पहले इस तरह से मिक्स करेंगे, फिर हाथ से इसका डो तैयार करेंगे। हाथों से ये अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। अब हम हाथों से करेंगे इसको, अब हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे। आपको इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अगर आपका डो थोड़ा टाइट लग रहा है तो आप घी ही मिलाएं इसके अंदर, दूध या पानी नहीं मिलाना। घी से ही इसको थोड़ा और सॉफ्ट करना है, लेकिन मुझे नहीं ज़रूरत, मेरा डो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। डो मेरा तैयार हो गया है, अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना के प्लेट के अंदर लगाऊंगी। जिस तरह से पेड़ा बनता है उसी तरह से प्लेट के अंदर मैंने घी लगा लिया है और 1 प्लेट के अंदर फॉइल पेपर, दोनों में मैं पेड़े बना के लगाऊंगी इसके अंदर। अब थोड़ा सा मैंने पिस्ता लिया है उस पे लगाने के लिए, इस तरह से लेंगे और इसको बीच में से इस तरह से दबा देंगे और प्लेट के अंदर रख देंगे। थोड़ी दूरी पे रखना है सभी को। इस तरह से, और उसके अंदर मैं हल्का सा कट लगाऊंगी ऐसे, इस तरह से, और इसके अंदर थोड़ा पिस्ता, आपको जो भी ड्राई फ्रूट है आप उसमें लगा सकते हैं, बादाम भी लगा सकते हैं, किशमिश भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद है वो लगा सकते हैं।
सभी को मैं इसी तरह से बना रही हूँ और थोड़ा सा दूरी रखें इनको रखने में। एक प्लेट मेरी बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसको कढ़ाई के अंदर रखूंगी। सबसे पहले मैं इसमें से हल्का कट दूंगी और इसके अंदर पिस्ता लगाऊंगी। अब हम इसके अंदर पिस्ता लगा देंगे और इसे कढ़ाई के अंदर रख देंगे। 10 से 15 मिनट इसको बेक करना है कढ़ाई के अंदर। ये हमारी इंडियन कुकीज है। इसको आग के ऊपर भी सेका जाता है, माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम इसको कढ़ाई के अंदर रखते हैं। ढक्कन को हम हटाएंगे और चेक करेंगे, ये हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसको प्लेट को इसके अंदर रखेंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको बेक करेंगे। इसको हम कवर कर देंगे ऐसे ही और इसको हाई फ्लेम पर ही करना है। बीच में आप लो कर सकते हैं फ्लेम को अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो। इसी तरह से मैं और भी बना लूंगी सारी। नान खटाई मेरी सिक गई है। अब मैं इनको प्लेट के अंदर निकालूंगी। इनको भी अब मैं कढ़ाई के अंदर बेक कर लूंगी। अब मैं उस जो मैंने पहला वाला बनाया था अब मैं उसकी प्लेटिंग करूंगी। अब नान कढ़ाई को मैं प्लेट के अंदर निकाल लूंगी। ये देखिए सभी को मैं इसी तरह से लगा लूंगी। नान खटाई मेरी खाने के लिए तैयार हैं और ये देखने में ही कितनी अच्छी लग रही हैं, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको मैं एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छी बनी है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है नान खटाई और वो भी घर की बनी हुई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।